हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने बच्चों को ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिससे कि हम उनके जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकें। इंग्लिश और मैथ्स की प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ जीके की प्रैक्टिस करवाना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आज मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिसे फॉलो करके हम आसानी से अपने बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं। यदि आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट वर्कशीट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये वाली वर्कशीट पीपल हु हेल्प अस से ली गई है। इसमें कुछ हेल्पर्स के नेम लिखे गए हैं, इसे बच्चों को पहचानना है और ये क्या काम करते हैं इसके साथ बच्चों को करेक्ट आंसर करना है। जैसे कारपेंटर, कारपेंटर क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर को टिक मार्क किया जाएगा। इलेक्ट्रिशियन लाइट्स का काम करते हैं, टीचर बुक्स, डॉक्टर मेडिसिन, इसी तरह से मैकेनिक मशीन्स। So, इस तरह से कुछ ही वर्ड्स के थ्रू हम बच्चों को हेल्पर्स के टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड वर्कशीट है वी यूज वॉटर इन मेनी वेज, कलर द सर्कल हैविंग करेक्ट आंसर्स। पानी का इस्तेमाल हम कई तरीकों से करते हैं। यहाँ पर सर्कल्स में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इसे बच्चों को केयरफुली देखना है कि क्या इस काम को करते समय हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू कुक, कुक करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, सो इसे हम कलर करेंगे। टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है क्या, नहीं। टू बाथ, यस, नहाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, सो इसे भी कलर कर लेंगे। टू रीड, पढ़ाई के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं क्या, नो। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे भी हम कलर कर लेंगे। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें जो भी ट्रांसपोर्ट्स दिए गए हैं, व्हीकल्स दिए गए हैं, इसे बच्चों को पहचानना है कि वो एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। जैसे शिप, शिप क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसे हम ब्लू कलर फिल करेंगे। एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट, सो वी विल फिल पिंक कलर। बस क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, सो इसमें हम येलो कलर फिल करेंगे। सो बिल्कुल इस तरह से बाकी के व्हीकल्स पहचानकर बच्चों को इस तरह से कलर्स फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों को कुछ फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, तो जो भी फ्रूट्स के नेम उन्हें याद है आप उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज और कोकोनट। हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बच्चों को सभी वर्ड्स केयरफुली पढ़ना है और जो उन्हें डिफरेंट लग रहा है उसे बच्चों को पहचानकर सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है गोट, फिश, काउ। सो गोट, काउ ये क्या है, लैंड एनिमल है, बट फिश क्या है, वाटर एनिमल, सो इसे हम सर्कल कर लेंगे। सेकेंड है होली, दिवाली, मंडे। होली, दिवाली ये फेस्टिवल्स हैं, पर मंडे क्या है, नेम ऑफ डे, सो इसे हम सर्कल करेंगे। नंबर थ्री इज डक, पिकॉक, टाइगर। सो यहाँ पर टाइगर क्या है, एनिमल है, और डक पिकॉक है बर्ड्स, तो टाइगर अलग है, तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। सो बिल्कुल इस तरह से बच्चों को इसे सॉल्व करना है। जैसे लोटस, सनफ्लावर, ये दोनों फ्लावर्स हैं, पर हाउस क्या है, थिंग है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। पार्क, स्कूल, पेन। सो यहाँ पर पार्क, स्कूल ये नेम ऑफ प्लेस है, पर पेन क्या है, ये थिंग है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। सो ऐसे ही बच्चों को ये वाली वर्कशीट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट इज नेम दी बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स ड्रॉ किए गए हैं, इसे बच्चों को पहचान कर इसका नाम लिखना है। जैसे ये क्या है, ईयर, ई ए आर, आई, ई वाई ई, हैंड, एच ए एन डी, हैंड, ये क्या है, हेयर, एच ए आई आर, नेक्स्ट इज नोज, एन ओ एस ई।
सो इस तरह से ना हमें धीरे धीरे करके कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस भी बच्चों को जरूर कराना चाहिए, जिससे कि उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर ऑफ एनिमल्स होम। यहाँ पर कुछ एनिमल्स लिखे गए हैं, ये एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं उसे बच्चों को चूज करके लिखना है। जैसे लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है? डेन। बी हाइव। मंकी कहाँ रहता है? ट्री। स्पाइडर वेब। एंड रैबिट बुरो। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट इज राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ना मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसे आप बच्चों को रीड करने में और उसे समझने में हेल्प करें, देन उन्हें ट्रू और फॉल्स में आंसर करने के लिए कहें। जैसे कैमल इज अ वाइल्ड एनिमल। क्या कैमल वाइल्ड एनिमल है? नो, कैमल क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। पर यहाँ पर लिखा गया है वाइल्ड एनिमल, सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकेंड इज रेडिश इज अ वेजिटेबल। यस, सो हियर वी विल राइट ट्रू। वी ऑल नीड वॉटर। हम सभी को पानी की जरूरत होती है। यस, तो यहाँ पर भी हम ट्रू लिखेंगे। कुकुम्बर इज अ फ्रूट। क्या कुकुम्बर फ्रूट है? नो, इट इज वेजिटेबल, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स डू नॉट नीड वॉटर। क्या प्लांट्स को पानी की जरूरत नहीं होती है? होती है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।